कामदेव को क्यों भस्म किया था भगवान शिव ने, जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं, तो उसके बाद शिव जी गंगा और तमसा नदी के संगम किनारे एक गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान दो घटनाएं घटती हैं। पहली तो यह कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो वह यह वरदान मांग लेता है कि मुझे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई है और शिव जी तपस्या में लीन है, जो हजारों वर्ष तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र ही नहीं होगा तो मेरा वध कौन करेगा। यह वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोकों पर अपना आतंक कायम कर देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना यह कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती हैं। उन्हें पुनः प्राप्त करने हेतु जब यह बात देवताओं को पता चलती है तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिव जी की तपस्या भंग करे। सभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं, माता इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसे में सभी देवताओं की अनुशंसा पर कामदेव और रति शिव जी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। शिव जी के सामने फाल्गुन मास में कामदेव और रति नृत्य और गान करते हैं और फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाणों को शिव जी पर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होने के साथ ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छिपे कामदेव नजर आते हैं, तो वह क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर देवी रति के साथ ही सभी देवी देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती हैं और कहती हैं कि इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, मेरे साथ ही क्या किया भगवान भोलेनाथ ने, मेरे पति को पुनः जीवित करो। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत होता है। तब वह राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में संभ्रासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं। शिव जी पार्वती से विवाह करने की सहमति भी देते हैं। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन होली के दिन किया जाता है और दूसरे दिन धुलैंडी पर रंग खेला जाता है। धुलैंडी पर रंग खेलने की शुरुआत देवी देवताओं को रंग लगाकर की जाती है। इसके लिए सभी देवी देवताओं का एक प्रिय रंग होता है और उस रंग की वस्तुएं उनको समर्पित करने से शुभता मिलती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन में समृद्धि मिलती है, खुशहाली आती है और धन धान्य से घर भरे हुए होते हैं। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।